हेलो दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। चलिए दोस्तों, आज हम आपसे जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने देखा, हम यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन आपको मिलेगा ना, वो भगवान ही आपको बचाएंगे। मतलब क्या है कि उस दिन आपके समझो गले की हड्डी बन के फंस सकती है। हम इतना ही बताना चाहते हैं, सारा कुछ चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, जो है कि एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज़ जो है कि वीडियो को आप जरा सा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी के ऊपर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आ गए कंपनी के ऊपर। सबसे पहले कंपनी की जो है कि हम देखिए 2019 मार्च 2019 से जो है कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक बार सीधा नेट प्रॉफिट को ही देख लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट में आपको दिखाना चाहते, देखिए कंपनी अभी तक जो है कि 131 करोड़, फिर 32 करोड़, फिर 465, फिर जो है कि देखिए 47, फिर 18, फिर 49, फिर देखिए कंपनी एक हाई भी जो है कि प्रॉफिट में आई। लेकिन हम आपको बताना चाहते, देखिए इसको जो है ब्लाइंडली आप देखना नहीं है, इसमें जो है कि देखिए अदर इनकम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब 2700 करोड़ के आसपास जो है कि देखिए। उसके बाद फिर कंपनी जो है कि 42 करोड़, फिर 37 करोड़, फिर 28 करोड़। मतलब दोस्तों, हम आपको इतना ही बताना चाहते, देखिए कंपनी जो है कि फिलहाल अभी रॉकेट बनी हुई है। उसके बाद जो है कि अभी रॉकेट बनने के बाद भी देखिए कंपनी जो है प्रॉफिट भी नहीं है, और रोज जो है कि अपर सर्किट में ही कंपनी चल रही है। चलिए दोस्तों, हम आगे कंपनी के पैनल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मार्च 2010 से इनके पैनल को भी चेक करेंगे। देखिए क्या होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट में पैनल को थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। देखिए जो है कि सेल्स जो है कि 900, फिर 1700, फिर 2200, चलिए अच्छा है, फिर 3700, फिर देखिए कंपनी डाउन हो गई 3600, फिर 2800, फिर 2400, फिर 2000, फिर 1200, फिर 600, फिर 300, फिर 189। दोस्तों, हम आपको इतना ही बताना चाहते, देखिए अभी का जो इनका है TTM बोले तो 325 बोले तो 336 के आसपास है। चलिए इनका एक बार नेट प्रॉफिट को भी चेक कर लेते हैं। चलिए नेट प्रॉफिट के ऊपर आ गए। देखिए 72 करोड़, फिर उसके बाद जो है कि 112, फिर 83। देखिए कंपनी में साल दर साल जो है कि ये कंपनी माइनस में 138, फिर जो है कि 292, 94, फिर उसके बाद 150, फिर 370, फिर 550 के आसपास जो है रफली पकड़ रहे हैं। फिर देखिए कंपनी जो है मोटा मोटा एकदम 2500%, मतलब 2500 करोड़ का जो है कि लॉस में चले गए। फिर 372, फिर 587, फिर देखिए जो है कि यहाँ दो क्वार्टर में जो इन्होंने हाई जो है कि प्रॉफिट कमाया है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी इनके पास अदर इनकम आया है, आप देख सकते हैं। नहीं तो कंपनी जो है कि इस साल भी हो सकता है कि जो कि लॉस में जा सकती थी मेरे हिसाब से। देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट तो हमने देख लिया, और हमने देख भी लिया कि देखिए अभी ऐसी कंपनी में रोज अपर सर्टिंग मतलब देखने का मतलब बताना चाहते हैं आपको 1.5% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। मतलब जब भी खुलती है कंपनी, एक अपर सर्किट में खुलती है। हम आपसे कहना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर से, ऐसे स्टॉक में है क्या, क्यों ऐसे स्टॉक में आप पैसा लगाने के लिए बाइंग ऑर्डर रोज लगा के रखते हैं। हम आपको इतना ही बताएं, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जो है कि हमेशा बाइंग ऑर्डर लगा के रखते हैं। लेकिन एक बार बताना चाहते, जिस दिन मिलेगा ना आपको, उस दिन आपके गले की हड्डी बन जाएगी और आप जो है कि भगवान के भरोसे ही छोड़ दोगे स्टॉक को। फिर उसके बाद चलिए जो है कंपनी का कुछ रिजर्व्स भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, उसके पहले कंपनी का जो रिजर्व्स था, उसके बाद कई सालों से जो है कि माइनस माइनस कर रही थी। उसके बाद देखिए जो है कि 300, फिर 289। देखिए मतलब इस क्वार्टर में, इस साल भी जो है कंपनी का रिजर्व जो है निगेटिव है। उसके बाद देखिए बोरिंग जो है कंपनी का ग्रोइंग मोड में है। मतलब आपको बताना चाहते, पहले 958 था, अभी का जो है 975 है। चलिए दोस्तों, और भी कुछ हम आपको निगेटिव पॉइंट दिखाते हैं जो कि आपको एकदम डीपली। चलिए दोस्तों, हम कंपनी का कुछ बेसिकली इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना है। देखिए 5000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि देखिए ऐसे मार्केट कैप जो कि मिड कैप स्मॉल कैप टाइप के मार्केट कैप है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी रहती है, बहुत ज़्यादा गिरावट भी रहती है। चलिए उसके बाद जो है कि इनका एक बार हम देख लेते हैं करंट प्राइस आपको दिखाना है। देखिए 1625 का चल रहा है, मतलब और उसका जो 52 वीक का लो है आप देख सकते हैं 4.95 रुपये। उसके बाद जो है इनका हाई आपको बताना चाहते, देखिए 52 वीक हाई भी इनका यही है। मतलब जब भी कंपनी खोलती है रोज़ एक नया हाई लगाती है, हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं। देखिए इनका फेस वैल्यू जो है कि 10 का है, इतना जो कि मायने नहीं रखता फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड जो कि EPS VPS हम इतना मानते नहीं हैं, जो कि आपको भी बताना चाहते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते, देखिए कंपनी जो है कि जस्ट अभी हम आपको इतना दिखा, देखिए 5% एक दिन में 5% बोले तो अपर सर्किट, एक महीने में 178%, 3 महीने में 1758% आपको दिखाना चाहते। देखिए एक साल जर साल हम आपको बताना चाहते कि अभी कंपनी पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। उसके बाद देखिए 3 साल में 1.5% के आसपास रिटर्न। उसके बाद देखिए 5 साल में कंपनी जो है कि 50,000% का रिटर्न। आपको इतना ही दिखाना चाहते, देखिए जो है कंपनी को बहुत ज़्यादा एनलिस्ट, मतलब क्या है, जो कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है वहाँ रिटेल इन्वेस्टर इजीली आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम आ गए। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, हम आपको दिखाना है। देखिए 75%
जो है कि प्रमोटर के पास है। और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना, देखिए हर क्वार्टर में जो है कि वो माल को, देखिए जैसा कि सेबी का रूल्स है आपको पता है 75:25 जो है कि 25 का रेशियो जो है कि अप्लाई करना होता है। देखिए कुछ लोगों के पहले मैंने जो है कि सैम मेडलिस्ट के ऊपर जो है कि वीडियो बनाया था, उनको बताया था कि OFS के बारे में जो है कि उनको बताया था कि इस कंपनी में जो कि एक रिस्क है, तो हम आपको यही बताना चाहते, देखिए इसमें भी कुछ OFS आना बाकी है जो कि देखिए प्रमोटर के पास इतना स्टेक है, उसके बाद उसमें से भी जो है कि 36% का स्टेक जो है कि उन्होंने गिरवी रख दिया है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए FIs के पास भी कुछ स्टेक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए FIs के बाद फिर DIs भी इसमें है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते, देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड एकदम भी नहीं, एकदम मतलब कुछ भी नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको और दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पब्लिक पहले कितनी थी 56% के आसपास थी, उसके बाद 1.03% आ गई, फिर उसके बाद देखिए 1.818 के बराबर आ गई। लेकिन आपको इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहते, देखिए कंपनी का जो है कि पहले इनके पास कितना, DIs के पास कितना था 23.57 के आसपास जो था, अभी कितना है 53 पॉइंट को हम पकड़ रहे हैं, देखिए 53 बोले तो हम आपको बताना चाहते, देखिए यहाँ पे कितना कम हुआ 0.4 में कम हुआ। ओके उसके बाद देखिए DIs के पास, उसके बाद देखिए दोस्तों जो है कि यहाँ पे प्रमोटर के पास कितना स्टेक था, प्रमोटर के पास जो है कि 27 पॉइंट था, हम पॉइंट वाला पकड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी इनके पास कितना पड़ा है 16 पॉइंट में जो है कि देखिए अभी मतलब 11 इनका और उसके बाद जो है कि 4 इनका बोले तो कितना हो गया 15.15 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा जो है कि 0.15 किसको चिपका दिया गया आप देख सकते हैं दोस्तों, हम आपको बिट प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं, देखिए पब्लिक को चिपका दिया गया, मतलब पहले 3.03% था इनके पास जो है कि अभी 0.18% हो गया। देखिए दोस्तों हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं, ऐसे स्टॉक से आपको हमेशा अलर्ट रहना है, आप हमेशा बाइंग ऑर्डर मत लगा के रखें, क्योंकि अभी देखिए रिस्की क्या है इसमें, रिस्की यही है कि अभी यहाँ पे OFS आना बाकी है, OFS आने के बाद देखिए यहाँ पे DIs भी निकल रहे हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कब गायब हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चला। चलिए दोस्तों हम आ गए कंपनी को, बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि बहुत कौन सी कंपनी, देखिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कंपनी जो है कि सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेल मैन्युफैक्चर कंपनी इज द एंगेज इन द मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग एंड द ट्रेडिंग ऑफ द यार्न फैब्रिक्स रेडीमेड गारमेंट्स एंड द टॉवेल्स। देखिए दोस्तों हम इतना ही बताना चाहते हैं, कुछ भी हो गारमेंट्स का काम है हम आपको इतना ही बताना चाहते, देखिए जो है कि रिस्की कंपनी, रिस्की होने का मतलब जो इसमें तेजी है ना वो एक दिन किसी रिटेल इन्वेस्टर को डुबा देगी, किसी का मतलब किसी के बहुत सारे जो भी जाएगा इसमें वो फंसने ही वाला है आज नहीं कल। चलिए दोस्तों हम आ गए कंपनी के ऊपर, देखिए सेल मैन्युफैक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको दिखाना चाहते, देखिए एक दिन में जो है कि अपर सर्किट बोले 5% का, उसके बाद देखिए पाँच दिन में जो है कि 21% का आ गया, देखिए 21% का रिटर्न कंपनी ने बना के दिया लेकिन पूरा तरह से अपर सर्किट। उसके बाद देखिए एक महीने को भी देख लेते हैं, चलिए एक महीने को भी देख लीजिए, एक महीने में 152% का रिटर्न बना दिया, मतलब आपको दिख रहा है ना पूरा फुल एकदम अपर सर्किट है। उसके बाद छः महीने को भी देख लेते हैं, छः महीने में कंपनी ने 450% बॉपर 4,64,000% का रिटर्न बना के दे दिया, आप चाहे तो देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब आप देख सकते हैं ना कितने की कंपनी थी और कितने की चली गई, मतलब आप इनका चार्ट भी एक बार देख लीजिए कितना, मतलब कि अभी तक कंपनी छः महीने से अपर सर्किट ही चल रही है। ईयर टू डेट में देखिए 3561% का रिटर्न बना के दे दिया, मतलब अभी तक भी कंपनी जो है कि वैसे ही चल रही, मतलब फुल प्लेट में चल रही है। उसके बाद देखिए एक साल में जो है 4,64,387% का रिटर्न 57% का रिटर्न बना के दे दिया, लेकिन इनका देख रहे हैं मतलब एक साल से कंपनी अभी तक जो है कि अपर सर्किट। देखिए इनका चार्ट एकदम टॉप पे बैठी है कंपनी, मतलब आप एकदम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, जिस दिन ये आपको गिरेगा ना तो उस दिन सीधा मतलब कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जाके रुकेगा, कोई इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चलिए मैक्सिमम देख लेते हैं, मैक्सिमम में कंपनी आप देख सकते हैं ना एक कितना 1410% का रिटर्न बना के दे रही है, मतलब कंपनी जो भी तेजी है ना वो जस्ट अभी की तेजी है, मतलब जस्ट आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए हम आपको सारा कंक्लूजन निकल के यही आता है कि प्लीज़ ऐसे स्टॉक से आप बचे जो है, अवॉइड करें, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है कि आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकते हैं, ऐसे स्टॉक जो है कि आपका सारा पैसा खा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कौन सा वीडियो नेक्स्ट शेयर पर चाहिए आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं।